जिस तरह बाकी चीज़ें अशाइन और दोनों की चीज़ें महंगी हुई हैं, इस तरह कपड़े की मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ से पूछते हैं कि जो ताजर हजरात हैं कपड़े के, तो क्या कपड़े भी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? इस वक्त हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरह आपकी बात की, आपकी महंगाई के लिहाज से ना, महंगाई के लिहाज से इतना फ़र्क पड़ा है, लेकिन तो हमारी डेली जिसे 25 से 30 हज़ार कम से कम अभी की जिसे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कपड़े की मार्केट में। जिस तरह खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी इजाफा हुआ है, इस तरह ताजर हजरात जो कपड़े के ताजर हैं, इनसे पूछते हैं कि आया कपड़े की कीमतों में भी इजाफा हुआ है? इस वक्त एक भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आप भाई ये बताएं, जिस तरह खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई हैं, उस तरह क्या कपड़े की कीमतों में भी महंगी हुई हैं? भाई इतना फ़र्क पड़ा कि आप क्या बताओ, डेली से हमारी कम से कम 30-40 हज़ार रुपये सेल थी, अभी हमारी हफ्ते की भी सेल है। इस हुकूमत ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया भाई, बिल्कुल तबाह कर दिया, क्योंकि मीना बाज़ार में अक्सर ही दुकानें इस तरह होगी कि वो छोड़ने तक तैयार होगी, बिल्कुल हद ख़त्म हो गया। और दुकानदार काफ़ी हद तक परेशान है, बाकी अल्लाह का ख्याल करें। तो क्या हुकूमत को आप इस पर क्या मैसेज दें? हुकूमत में हम यही कहना चाहते हैं कि महंगाई में कोई मतलब गर्मी ना आई, दिन ब दिन हमें बिल्कुल और परेशान कर रहे हैं। सही हो, बहुत शुक्रिया। मौजूद हैं, जिस तरह कपड़ों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है खाने पीने की चीज़ों की तरह, तो इनसे पूछते हैं कि कपड़े की कीमतें कहां तक पहुंची है और ये क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। कपड़े की कीमतें भी उसी तरह इजाफा हो रहा है उनमें, जिस तरह के और खाने पीने की चीज़ों या दीगर मसनूआत हैं उनमें इजाफा हो रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रुका हुआ है, जिस वजह से हमारे कपड़ा जो है, एक तो कपड़ा मिलने से मिल नहीं रहा, शॉर्टेज है, और दूसरा रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल का सामना है। ज़्यादा मसला हमें ये हो रहा है कि कस्टमर हमसे पुराने रेट्स पर चीज़ मांगता है जो हम नहीं देने से कासर हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो तो बिल्कुल फिक्स प्राइस में होती हैं, उनका तो जैसे जैसे रेट बढ़ता है कस्टमर को मालूम होता रहता है रेट बढ़ा है, लेकिन हमारी चीज़ें ऐसी हैं इनमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, तो बार्गेनिंग करने से हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। गाहक हमें हर वक्त ये कहता है पुराने रेट्स पर चीज़ें दें, पुराने रेट्स पर दें, हम अब किस तरह उनको पुराने रेट्स पर चीज़ें दें? सही होगी। हुकूमत को इस पर आप क्या कहेंगे कि जो हुकूमत है वो महंगाई को कहाँ कंट्रोल करे, क्या हुकूमत अपने इकदाम कर रही है? बस ये देखें जो ज़खीरा अंदोज़ हैं उनसे बचाएं, जो हर कारोबार हर बिज़नेस में ये इस तरह के लोग मौजूद होते हैं जो जो चीज़ जिसकी शार्टेज होती है, किसी भी मिसाल के तौर पे कपड़े की शार्टेज है उसको वो ज़खीरा कर लेते हैं उसको, तो बस हुकूमत को ये चाहिए कि उन लोगों के ख़िलाफ़ जो एक्शन ले और रेट्स को जो है वो कंट्रोल में ले के आए। जी बिल्कुल, जैसा कि इन भाइयों ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के साथ कपड़े की जो मार्केटें हैं, कपड़े के ताजर हजरात हैं, उन पे भी काफ़ी असर पड़ा है, और इनका यही कहना है कि जो आवाम आती है कपड़ा लेने के लिए या किसी किस्म का कोई सूट लेने के लिए, उनका ये कहना है कि हमें सस्ते रेट पे कपड़ा मुहैया किया जाए, जबकि मार्केट से जो ताजर हजरात ले के आते हैं वो इतने महंगे दामों के सस्ते रेट पर नहीं दे सकते, और ताजर रात का यही कहना है कि हुकूमत कपड़े की कीमतों में भी कमी करे ताकि गरीब आवाम इससे फ़ायदा हासिल कर सके।